बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है, जहां अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। 70 के करीब लोग घायल हैं। हिंसा के बाद पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है और फिलहाल इलाकों में हालात पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। कई इलाकों में हालात अब काबू में बताए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। दिल्ली के 10 जगहों पर धारा 144 लगाई गई है। यमुना विहार, मौजपुर में देर रात आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। रात भर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी नॉर्थ दिल्ली में गश्त करते नजर आए। हिंसा के दौरान हुई पत्थरबाजी में गोकुलपुरी के एसीपी अनुज कुमार भी घायल हो गए, जबकि शहादरा के घायल डीसीपी अमित शर्मा की सर्जरी कर दी गई है। पुलिस एहतियात बरत रही है और हालात को काबू करने की पूरी कोशिश है। एक साथ कई जगहों की तस्वीरें आपके सामने, जाफराबाद, दयालपुर, मौजपुर, बाबरपुर, भजनपुरा, चांदबाग, करदमपुरी, करावल नगर और गोकुलपुरी की तस्वीरें। और ये सभी तस्वीरें एकदम सामान्य है इसलिए क्योंकि हालात हर जगह बिगड़े हुए हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ हर जगह से पथराव की आगजनी की तस्वीरें आई। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में देर रात आगजनी और पथराव हुआ। इस पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया किन लोगों की तरफ से, इसको लेकर जांच की जा रही है। हालांकि इस वारदात में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा बता रहे हैं वहां के हालात के बारे में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं लगातार जारी हैं। देर रात भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में आगजनी की गई। ये नजारा आप देख रहे हैं, ये यमुना विहार इलाके का नजारा है, चांद बाग के ठीक सामने, जहां पर रात को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास भीड़ पहुंचती है और लगातार इलाके में पत्थरबाजी की जाती है और सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी थी उसको आग के हवाले यहां पर किया गया है। ये पूरी रोड है जो कि चांद बाग के ठीक सामने की ये रोड है, सर्विस लेन है, जहां पर तमाम ये दुकानें हैं और ऊपर रिहायशी इलाके भी हैं, रिहायशी लोग भी यहां पर रहते हैं, घर बने हुए हैं। लेकिन यहां पर जो गाड़ियां खड़ी रात तकरीबन 11 बजे के आसपास भीड़ यहां पर पहुंचती है, तमाम जो दुकानें हैं उसमें पथराव किया जाता है और जो भी गाड़ियां सड़क पर खड़ी हुई थी उन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। आप देख पाएंगे चाहे वो ई रिक्शा हो, बाइक हो, गाड़ी हो, जो भी उपद्रवियों के हाथ लगा उन्होंने उसको तोड़ना शुरू कर दिया और बाद में आग के हवाले कर दिया। जहां तक इस गली में आप अंदर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हर जगह चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, ई रिक्शा हो, कार हो, हर किसी को यहाँ पर तोड़ा गया, आग के हवाले किया गया। साथ ही जो यहाँ पर दुकानें थी उन दुकानों को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, दुकानों पर भी पथराव किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि यमुना विहार में रात में जब पत्थरबाजी की गई तो उस दौरान कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सड़कों पर आप जिस तरीके से पत्थर यहाँ पर पड़े देख रहे हैं, जिस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर जली हुई देख रहे हैं, इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बुरा यहाँ पर हाल रहा होगा जिस समय भीड़ यहाँ पर पहुंची और लगातार गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर 15 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों को तैनात किया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान भी अलग अलग इलाकों में तैनात हैं और लोगों से शांति की अपील करने की बात कर रहे हैं। कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी लोग उपद्रव कर रहे हैं, जो भी लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती नजर आएगी। कैमरामैन जगदीश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में कल हुई हिंसा के बाद हालात काबू में हैं। प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। अब तक हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई जबकि 70 के करीब लोग घायल हैं। गोकुलपुर इलाके में देर रात तक हिंसा हुई, उपद्रवियों ने टायर मार्केट में आग लगा दी। इस बीच हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाले उपद्रवी शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पिछले 48 घंटे से दिल्ली अमन तलाश रही थी, लेकिन शांति बहाल होती उससे पहले ही एक और आग भड़क उठी। रात के वक्त गोकुलपुरी का टायर मार्केट धधक उठा। मोर्चे पर फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। दंगाइयों ने एक दो नहीं बल्कि 8 से ज्यादा जगहों पर जबरदस्त उत्पात मचाया। गोकुलपुरी की तस्वीर भी उसी दंगा ब्रिगेड की कारस्थानी का सबूत है।
गोकुलपुरी इलाके में मौजूद और यहाँ पर आप टायर मार्केट का हाल देख सकते हैं। पूरी टायर मार्केट है जो कि इस समय धू धू करके जल रही है। यहाँ पर जो है पूरी मार्केट के अंदर आग लगा दी गई है। टायर के करीब 200 से 300 लोगों की तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची थी, भीड़ यहाँ पर पहुंची थी, पत्थरबाजी करते हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस गाड़ी को पलटा गया और उसके बाद जो मोटरसाइकिल है उसको यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद पूरी टायर मार्केट को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। सिर पर कफन बांध कर पुलिसकर्मी दंगा ब्रिगेड को रोकने की कोशिश कर रहे थे और दंगाई पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसा रहे थे। केवल पत्थर ही नहीं, दंगाई पिस्टल लेकर भी दिल्ली की सड़कों पर उतरे और जमकर फायरिंग की। ये लाल शर्ट वाला गोली सी भी लगा दी, ये देखो ये गोली चला रहा है, ये लाल शर्ट वाला जो पुलिस वाले के आगे खड़ा है ना, ये गोली चला रहा है, इसके हाथ में गन है। लाल शर्ट वाले के हाथ में देखो लोड कर रहा है ये गन, ये सबसे आगे जो लाल शर्ट वाला खड़ा हुआ है ये देखो ये गन लोड करते हुए आ रहे हैं, ये देखो इसके हाथ में गन है, ये लाल शर्ट वाला गोली सी भी लगा दी, ये देखो ये गोली चला रहा है ये बंदा, ये भागा वो गोली चला के भागा, ये देखो ये लाल जो लाल टी शर्ट पहने इस दंगाई को देखिए। शाहरुख नाम का दंगाई कैसे एक पुलिस कांस्टेबल नीरज दहिया से जा भिड़ा। कांस्टेबल नीरज दहिया ने हिम्मत करके इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दंगाई इतना बेखौफ था कि उसने इस बात की परवाह तक नहीं की और फायरिंग करता रहा। एक के बाद एक उसने कई राउंड फायरिंग की। इस बलवाई के सरेआम गोलीकांड की तस्वीर कई कैमरों में कैद हो गई। छत से ली गई इस तस्वीर को देखिए, कैसी ये दंगाई पिस्टल लेकर सामने आ रहा है, फायरिंग कर रहा है। घंटों की आगजनी और पत्थरबाजी के बाद पुलिस किसी तरह से हालात पर नियंत्रण पा सकी है। बहुत हेवीली स्टोन पेल्टिंग कर रही है सब जगह से, लेकिन पुलिस फोर्स सब जगह डटी हुई है। लगातार टियर गैसिंग की मदद से और जो बेटन चार्ज है उसकी मदद से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं और जो मिक्स्ड पॉपुलेशन एरियाज हैं उसमें पुलिस स्ट्रेटजिक लोकेशन पर तैनात है ताकि वायलेंस एस्केलेट ना हो। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करीब 8 जगहों पर आग और पत्थर वाला तांडव हुआ। जाफराबाद, मौजपुर, भजनपुरा, चांदबाग, बाबरपुर, करावल नगर, करदमपुरी और गोकुलपुरी में जंग जैसे हालात नजर आए। देखते ही इन इलाकों में टेंशन फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए और हालात बेकाबू होते नजर आए। नतीजा 10 इलाकों में धारा 144 लगानी पड़ी। हम अभी जो है हर जगह से हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो रूट मार्च कर रहे हैं पुलिस के साथ, और जहाँ कहीं भी गैदरिंग है उनको पीसफुली डिस्पर्स करने की उनसे अपील कर रहे हैं, उनको डिस्पर्स करवा रहे हैं। धारा 144 भी लगा दी गई है, उसके तहत भी हम सबसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। जाफराबाद में एक तरफ गोली और पत्थर चल रहे थे तो दूसरी तरफ कई मकानों में आग लगा दी गई। वहाँ मौजूद इंडिया टीवी रिपोर्टर गौनिका अरोड़ा ने जो कुछ देखा वो बहुत डरा देने वाला है। कि एक दुकान है, इस दुकान में आग लगा दी गई है, दुकान का पूरा सामान इस वक्त जलकर राख हो गया है। ये दुकान करीब 2 मंजिलों की दुकान है, नीचे की मंजिल पर पूरी तरह आग लग गई है, ऊपर की मंजिल पर आग लगी हुई है और आगे की तरफ आपको दिखाया कि आगे की तरफ भी दुकानों में किस तरह आग लगी हुई है। एक घर में यहाँ पर आग लगा दी गई है, ये घर की बालकनी आप देख रहे हैं। हालांकि घर के अंदर लोग जो है वो शायद सुरक्षित है, यहाँ पर अभी कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, घर पूरी तरह पर खाली फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जहाँ जिस तरह का माहौल है वो देख कर साफ पता चल रहा है किस तरह यहाँ पर आगजनी हुई है, किस तरह यहाँ पर पूरा माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पूरे हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की कई टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। पुलिस लगातार चौकसी बरत रही है ताकि हालात पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। इन सभी इलाकों में पुलिस का सख्त पहरा है। प्रभावित इलाकों में दिल्ली के स्कूल में चल रही परीक्षाओं को टाल दिया गया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रात के टाइम भी जो प्रोटेस्ट साइट्स हैं वहाँ से 4,000-5,000 की गैदरिंग भी यहाँ रिपोर्टेड हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मुस्तैद नहीं थे, हम लोग लगातार मुस्तैद थे। जहाँ जहाँ भी भीड़ इकट्ठी थी उनको कंट्रोल में रखा हुआ था और इस वजह से ही ये सिचुएशन अभी तक ऐसी है जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई बहुत लार्ज स्केल वायलेंस किसी जगह पर नहीं रिपोर्टेड है। पुलिस किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए फिलहाल प्रभावित इलाकों में गश्त लगा रही है। प्रभावित इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। गौनिका अरोड़ा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।
दंगाइयों ने कल एक के बाद एक दिल्ली के कई इलाकों में पत्थरबाजी और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। चांदबाग से लेकर भजनपुरा तक इन दंगाइयों ने दिल्ली को जलाने और हिंसा फैलाने की जबरदस्त कोशिश की। दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं हालात पर काबू पाया जा सका। दिल्ली की दिल दहला देने वाली ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। दिन दहाड़े सड़क पर ऐसी आगजनी और हिंसा हुई कि देखने वाले की रूह कांप गई। कल दोपहर बाद दिल्ली में ऐसा हंगामा मचा कि इसे काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। कहीं सड़कों पर पत्थर नजर आए तो कहीं किसी दुकान और मकान से काला धुआं उठता दिखाई दिया। दंगाई दंगा करने पर आमादा थे और पुलिस उन दंगाइयों को रोकने में पूरे जतन के साथ जुटी थी। जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर, कदमपुरी, भजनपुरा, चांदबाग, मुस्तफाबाद, वजीराबाद रोड, शिव विहार, करावल नगर, हर जगह से टेंशन है और कंटिन्यूस फोर्स की प्रेजेंस की वजह से, फोर्स के सख्त एक्शन की वजह से इस सिचुएशन कंट्रोल में है। हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा की तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे कहां उपद्रवियों ने दिल्ली को झुलसाने की पूरी कोशिश की। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली के चांदबाग इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के चांदबाग इलाके की तस्वीर खौफ से भर देने वाली है। चांदबाग में दंगा ब्रिगेड ने आग लगाकर इस इलाके को सुलगाने की कोशिश की। पहले पुलिस पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, फिर मकान, दुकान और गाड़ियों को फूंक दिया गया। आग लगी, आसमान काले धुएं से भर गया तो इलाके में कोहराम मच गया। We have been requesting everyone that in this situation everyone should come forward and support Delhi police and cooperate with us in maintaining law and order and maintaining peace. हम अभी जो है हर जगह से हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो मार्च कर रहे हैं पुलिस के साथ। भजनपुरा में किस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश की गई, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। दंगाइयों ने पहले इस पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की, फिर उसमें आग लगा दी। पेट्रोल पंप में आगजनी से धमाका हो सकता था, कई लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन दंगाइयों ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। सिर्फ पेट्रोल पंप ही नहीं, कई घरों और गाड़ियों को भी जलाकर राख कर दिया। इतनी पत्थरबाजी हुई कि सड़क ईंट और पत्थरों से पट गई। हालात खराब हुए तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। भजनपुरा में दंगाइयों ने एक पुलिस वाले की जान ले ली। पथराव के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल के सिर में चोटें आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब तक हुई हिंसा में दर्जन भर पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। गोकुलपुरी के ACP अनुज कुमार भी पत्थरबाजी में घायल हो गए हैं। शहादरा के DCP अमित शर्मा को भी जबरदस्त चोट आई है। पुलिस यहाँ पर दोनों ही पक्षों को समझा रही है और बीच में हम दोनों को आमने सामने नहीं होने दे रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पुलिस की इंटरवेंशन से यहाँ पर सिचुएशन अभी कंट्रोल में आई है। दिल्ली में सोमवार को जो हुआ वो खौफनाक था। उपद्रवियों ने जाफराबाद, मौजपुर, भजनपुरा जैसे इलाकों में रौद्र रूप दिखाया कि लोग भी सहम उठे। दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी गई, दुकानों, मकानों, पेट्रोल पंप को फूंक दिया गया और जो लोग इस दंगे की पीड़ित हैं, उनकी आप बीती अब हम आपको सुनाते हैं। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया, दोनों बच्चों को, छोटे बच्चों को गली में पुलिस वालों ने को ऊपर ऐसे भगाया मैंने कि मेरे बच्चों को बचा लो और हम पड़ोस में कूद के भागे एकदम से। इतना बुरा किया, ना बच्चों को छोड़ा ना घरों को छोड़ा। वो सामने दुकान स्काई राइड देखो, दिखाओ, उससे गोलियां चलाई गई हैं। उसमें घबराहट हो गई थी, सामने से पत्थरबाजी बहुत ज्यादा हो रही थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार के लोगों ने जो सहा वो रोंगटे खड़े करने वाला है। हजारों की भीड़ ने पूरे इलाके को घेर लिया। बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों की जान आफत में पड़ गई। लोगों के घर, मकान, दुकान, गाड़ियां आग के हवाले कर दिए गए।
कि यहाँ पर किस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगाई गई है। ये ट्रक हैं, बस हैं, टेम्पो हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगाई गई है और अभी भी ये गाड़ियां जो हैं वो धूके जो है वो जल रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय ये बिल्कुल जो चांदबाग पर जहाँ पर टेंट लगा हुआ था, जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने बैठे थे और जो जो रविवार को भी वो ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर आ गए थे, पूरा रोड वजीराबाद रोड बंद कर दिया था। अभी किस तरीके के हालात हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यमुना विहार के ठीक सामने चांदबाग में इस जगह पर सीएए का विरोध महीनों से हो रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक उसी जगह से फायरिंग की गई। वो सामने दुकान स्काई राइड देखो, दिखाओ, उससे गोलियां चलाई गई हैं। आप यहीं थे उसे? और क्या, यहीं थे सब? यहीं हैं, सब यहीं हैं। फायरिंग हुई है, फायरिंग हुई है, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, बम चली थी, गाड़ी चली थी, बंदूक चली थी, हम सब यहीं थे। गाड़ी बहुत फूकी गई है, सारी गाड़ियां जला दी। डीसीपी साहब के लगी है, डीसीपी के साहब के सिर पे लगी है, उनका सिर फटा है और एक एक पुलिस कांस्टेबल था उसके पैर पे भी लगी है, यहाँ पे भी लगी है और उसका पूरा ये फट गया है। कहना है कि जो बिल्कुल स्काई राइड, जो बिल्कुल जहाँ पर टेंट लगा हुआ था, जहाँ पर सीए और एनआरसी के समर्थन में जो सीए और एनआरसी के जो विरोध लोग कर रहे थे, यहाँ पर वो चांदबाग का इलाका जहाँ पर टेंट लगे हुए थे और वहीं पर ठीक सामने स्काई राइड की दुकानें, लोगों का कहना है कि वहाँ से बराबर फायरिंग हो रही थी। 100 नहीं, 200 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में दंगाई रिहायशी इलाकों में दाखिल हुए और घरों को आग के हवाले करते गए। लोगों के लिए अपने परिवार वालों की जान बचाना मुश्किल हो गया। हुआ था, कितने बजे लोग आते हैं? क्या 1 बजे यहाँ लड़ाई शुरू हुई थी, हम छत पर खड़े थे, पत्थर मार मार के कर रहे थे, हम 5 लोग घर के अंदर थे। इतने में यहाँ धुआं, पेट्रोल डाल के यहाँ धुआं हो गया, पूरे घर में धुआं धुआं हो गया, दोनों बच्चों को, छोटे बच्चों को गली में पुलिस वालों ने को ऊपर ऐसे भगाया मैंने कि मेरे बच्चों को बचा लो और हम पड़ोस में कूद के भागे एकदम से, हमें मकान ऐसे छोड़ के भाग लिया। हम तो घर के अंदर भी नुकसान हुआ है आपके? घर के अंदर पूरा नुकसान हो रहा है सब। जी जी, सामने हमारे चांदबाग है, ये शांति प्रिय लोग यहाँ पे महीनों से लगे हुए थे, हमने कुछ नहीं कहा पर इन्होंने आज ये दिखा दिया कि ये लोग शांति प्रिय नहीं हैं। भजनपुरा का ये पेट्रोल पंप सोमवार को दिन भर सुलगता रहा। ये पेट्रोल पंप चांदबाग इलाके के ठीक सामने है। दंगाइयों ने सबसे पहले इसे निशाना बनाया। गनीमत ये रही कि अंडरग्राउंड टैंक ने आग नहीं पकड़ी, वरना तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल होता। जो पेट्रोल पंप पे यहीं पर जो प्रदर्शनकारी है वो घुसते हैं, चांदबाग जो है बिल्कुल सामने का इलाका है वहां से वो ये लोग घुसते हैं और यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनमें आग लगाते हैं। ये शुक्र की बात थी कि जो पूरा पेट्रोल पंप है वो नहीं जलता है क्योंकि पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा था। बड़ा सवाल ये कि पेट्रोल पंप में काफी स्टोरेज यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की होती है, क्या उसमें अगर आग लगती तो बड़ा नुकसान हो सकता था? बिल्कुल, उड़ जाते हैं आसपास के सब मकान, हो जाते हैं, टैंक ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ऐसा रोकने की कैसे कोशिश की, कैसे बचाया गया? बस अपने आप ही बच गए। आग उसमें भी लग सकती थी बिल्कुल। और अगर पेट्रोल पंप पे आग लगती, पेट्रोल और डीजल के अंदर जो स्टोर किया हुआ उसके अंदर आग लगती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? सब ब्लास्ट हुआ, बम से ज्यादा खतरनाक है। तो बचाव हुआ बहुत बड़ा है। उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो एक गली के बाद दूसरी गली में दाखिल होते गए। हम इस समय यमुना विहार इलाके में मौजूद है, ये ठीक चांदबाग के सामने का इलाका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई गई है। जो गाड़ियां यहाँ यमुना विहार में खड़ी थी उनमें आग लगाई गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक उल्टे हाथ में गाड़ियां, 7 गाड़ियों में यहाँ पर एकाएक आग लगाई जाती है। जो प्रोटेस्टर है वो सामने चांदबाग के इलाके से आते हैं और यमुना विहार के अंदर घुसते हैं और यहाँ पर गाड़ियों में आग लगाते हैं। और कुछ क्या कहते हैं, जितना भी दंगा हुआ सामने से आया, जितने भी अध्यक्ष सामने से आए, कुछ प्लास्टिक टाइप बोतल थी उसके अंदर पता नहीं क्या केमिकल, कौन सा केमिकल था, किसी पे भी डाल लें और वहीं पे आग छोड़ दें, वहीं पे आग जनी कर दीजिए सब चीजों को, क्या कहते हैं। मैं उधर फान इंटरनेशनल स्कूल के पास थी तो सामने से लोग इतने पत्थर फेंक रहे थे, फिर वहाँ गाड़ी में मेरे सामने आग लगाई है गाड़ी में, तो उन्होंने यहाँ पे कम से कम नहीं तो 25 गाड़ियां पे आग पे लगा दी, बहुत पत्थर आफ करा। एक हमारा रेस्टोरेंट है कैप्टन कटोरा, उसमें पूरी आग लगा दी और ठेका लूट लिया और उसमें बैंक में भी आग लगाई गई है और पेट्रोल पंप के अंदर आग लगाई गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात फिलहाल कंट्रोल में है। पुलिस से लेकर नेताओं तक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मौके पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।